तो देखिए बेटा जी, अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अपने पास में गिवन है कि द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आई बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, जो भी डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाइसेक्ट कर सकते हैं। इस चीज का अपने को देखना है प्रूफ, राइट। तो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास में गिवन क्या है। तो इसने क्वेश्चन में गिवन है कि ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम, तो ये लीजिए, वैसा अपन एक पैरेललोग्राम बना दिया एबीसीडी, वेयर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, राइट। देन योर ए सी एंड बी डी आर डायगनल which intersect each other at the point E. Then we have to prove like AE is equals to EC and BE is equals to ED. Clear है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes sir. Now AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. It implies that this angle is equals to that angle and the angle D AC is equals to the angle BCA, right? ऐसे ही ये वाले angles equal बोल देंगे अपन, clear है बेटा जी, alternate angle बोल करके। और ये angles हो जाएंगे vertically opposite angles, तो ये vertically opposite angles हो गए, तो इनके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं, clear है बेटा? Yes sir. Okay. As well as AB is equal to CD, ये भी अपन prove कर चुके हैं, and the BC is equals to the AD. ये इक्वल भी होंगी बेटा, ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से यहां तक सबको? यस सर। क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से सबको? यस सर। ओके, चलिए बेटा जी, तो अब यहां पे अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि द ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल, कौन सा वाला भैया जी? देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्लियर है बेटा जी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई बी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विद द ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए सिंगल जो एंगल है उससे अपन जा रहे हैं फोर्थ एंगल की तरफ, तो ए ई बी लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ई डी, द ट्राइंगल सी ई टी। देन बाय सीपीसीटी क्या बोल सकते हो बेटा जी, सीपीसीटी से अपन क्या बोल देंगे कि ये वाली जो बी ई लेंथ है ये इक्वल हो जाएगी किसके, बी ई लेंथ इक्वल हो जाएगी डी ई के, एंड ए ई लेंथ इक्वल हो जाएगा किसके, ई सी के। क्लियर हुआ क्या बेटा ये सबको अच्छे से? यस यस। ओके, हो गया क्या बेटा ये? हेलो। यस सर। Thank you.
ओके 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 बेटा जी. यस सर. ओके चलिए उसके बाद बढ़े आगे. चलिए तो लिखिए क्वेश्चन बेटा. द क्वेश्चन इज प्रूव दैट each angle of a rectangle is a right angle. सर डन डन. ओके यस सर. देखिए अपने को अच्छे से पता है कि रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है जिसके अंदर एक एंगल कितना होता है, रेक्टेंगल होता है. क्लियर है बेटा जी? यस. ओके एक एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो फिर देख लेते हैं भैया कंडीशन कि देखिए गिवन है अपने पास ये इस टाइप से एक पैरेललोग्राम गिवन है उस वन एंगल इज 90 degree, right? Clear है बेटा जी वाली बात अच्छे से? Okay. तो अपने पास given क्या है? Given है कि A B C D is a rectangle. Yes. Okay. Angle A equals to 90 degree. Okay. Yes, sir. AB is parallel to CD, and AB is parallel to CD, and BC is parallel to AD.
राइट, क्लियर बेटे वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके ओके, तो देखिए बेटा जी, अब अपन बात करना चाह रहे हैं कि ए बी जो है, मान लो ये एंगल अपने पास कितना गिवन है, 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर है राइट, तो ये अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास 90 डिग्री दे रखा है और ए बी एंड सी डी आर पैरेलल है, प्रूफ इसका देखें अगर। ओके, तो अपन ये कह रहे हैं कि एंगल ए जो है ये कितना गिवन है अपने पास 90, या फिर ऐसा बोल दें कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। AD perpendicular है AB के, और AB और CD parallel है, तो इसका मतलब AD also perpendicular to CD, right? ये बेटे वाली बात अच्छे से। ओके, तो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, so the angle D is equals to 90 degree, clear बेटे वाली बात अच्छे से। ओके, similar AD is parallel to BC, right? Yes. Okay. Angle D is 90 degree. It implies that the angle C is also 90 degree. मतलब ये अपन ने 90 degree prove कर दिया है। तो अब अपन ये बोल देंगे कि भाई साहब ये line और ये line दोनों कैसी हैं? Parallel है। और CD जो है, CD क्या हो रही है? AD के perpendicular हो रहा है। That means CD is also perpendicular to BC. ऐसा लिखेंगे अपन, तो वहीं से अपन क्या बोल देंगे कि द एंगल सी इज आल्सो 90 डिग्री। सिमिलर फॉर सिमिलर अपन क्या बोल देंगे, द एंगल बी इज आल्सो 90 डिग्री। ये हुआ के बेटा ये सबको अच्छे से, एनी डाउट? नो सर। बढ़े आगे बेटा। सो वन मिनट। ओके यस सर, डन। यस यस सर। ओके चलिए बेटा जी, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं अपने पास। कितनी प्रॉपर्टीज हो चुकी है अब तक आपकी? सिक्स सेवन बेटा, सिक्स या सेवन सर? सिक्स प्रॉपर्टीज हो चुकी है। सिक्स प्रॉपर्टीज हो चुकी है। ओके, ओके, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेवन, सीधे डायरेक्ट लिख लीजिए कि इफ डायगनल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, diagonals of any quadrilateral bisects each other then it is a parallelogram, right? Yes. Clear beta ji? Okay. तो इसके अंदर अपन सीधे सीधे डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं भाई, सीधे देख लो, बस थोड़ा सा एग्जांपल हिंट के तौर पे देख लीजिए। तो ये इसके क्या हो गए, डायगनल्स हो गए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो ये बाइसेक्ट करे, इसका मतलब ये वाला लेंथ इक्वल हो जाएगा इस लेंथ के बेटा, और ये लेंथ इक्वल हो जाएगा इस वाले लेंथ के। ये ए है, बी सी, और ये हो गया अपने पास में क्या, डी, राइट? यस। ओके, तो इसका मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बेटा। सिमिलर ये एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, तो इसी केस से अपन क्या बोल सकते हैं
कि ये जो भी अपने पास ट्राइंगल है ये ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल एईबी, और इधर ये जो ट्राइंगल दे रखा है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा विद दिस ट्राइंगल। तो बाय सीपीसीटी अपन क्या बोल सकते हैं, ये वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो वहीं से अपन बोल देंगे कि ये कैसे है, बीसी इज पैरेलल टू एडी एंड एबी इज पैरेलल टू सीडी, राइट? यस सर। क्लियर हुआ बेटा? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो नो सर। ओके बढ़े आगे। यस सर। सर योर स्क्रीन इज ब्लर। नहीं तो बेटा। यस सर योर नेटवर्क इज आल्सो शोइंग रेड कलर। हाँ दिख तो रहा है सर। अब कुछ क्लियर हुआ? नो सर। यस यस सर। ओके सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ओके चलिए नेक्स्ट लिखिए एट नंबर प्रॉपर्टी नंबर एट। एट नंबर प्रॉपर्टी इज अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम is a parallelogram is a pair of opposite sides is equal and parallel. Okay. Yes, sir. कि एक पेयर जो है उसके बारे में उसने क्या कहा कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर एक पेयर जो अपोजिट साइड्स का है वो कैसा दे रखा है अभी उसने, वो दे रखा है उसने पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो इसका मतलब वो दूसरा जो पेयर है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पैरेलल और इक्वल हो जाएगा। वो कैसे होगा चलिए देखते हैं जरा। देखिए बेटा अपने पास भी कोई भी ये पैरेललोग्राम दे रखा है, कोई भी एक पैरेललोग्राम दे रखा है अपने पास, दैट इज ए बी सी डी, राइट? और ये इसका मान लिया अपन ने ये कोई भी एक डायगोनल है, राइट? ये रे बेटा जी ये कोई भी अपन ने ले लिया एक डायगोनल। ओके यस सर। ओके ये कह रहा है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल एंड एज वेल एज आल्सो इक्वल, राइट? क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके तो अब देखिए बेटा जी यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बेटा जी। यस सर। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके और ये साइड इस साइड के इक्वल हो रहा है बेटा? यस सर। और ये वाली साइड क्या हो रही है, कॉमन हो रही है बेटा? यस सर। तो यहाँ पे अपन ये बोलेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, या फिर ऐसा बोले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये बोल दें कि ए बी इक्वल कह रहा है किसके, सी डी के, राइट? यस सर। एंड द एंगल सी ए बी, द एंगल सी ए बी इज इक्वल टू द एंगल ए सी डी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अपने को क्या गिवन है बेटा जी, क्या गिवन था अपने पास, दैट ए बी इज पैरेलल टू, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। Sir, nothing. Your screen is presenting blur again.
बेटा जी ये नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसका अपन क्या कर सकते हैं बताइए जरा। KK says network bandwidth is low. Voice तो clear आ रही है बेटा? Yes. Okay, चलिए फिर तो सुन लो ना अच्छे से। देखिए AB is parallel to CD given था। AB और CD ये अपने पास में क्या दे रखे हैं? Parallel दे रखे हैं। तो इसका मतलब इन angles को अपन क्या बोल देंगे? Alternate angles बोल देंगे? Yes. Alternate angles. ओके राइट और एसी इक्वल्स टू एसी हो जाएगा क्यों भैया कॉमन साइड है इसका मतलब ये हुआ बेटा जी इधर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल कौन सा वाला सीडीए सी से होगा ना बेटा हाँ सीडीए राइट कौन से रूल से बेटा जी साइड एंगल रूल से अपन ने क्या कह दिया ये कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट तो बाय सीपीसीटी क्या बोल दोगे बाय सीपीसीटी एडी इज इक्वल टू बीसी राइट और ये एंगल इस एंगल के इक्वल भी हो जाएगा बेटा जी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा तो यही से अपन क्या बोल देंगे As well as AD is parallel to BC. Clear हुआ क्या बेटा अच्छे से? Yes sir. Okay, जल्दी से note down कर लो बेटा जी. Done. Yes, sir. Okay. तो चलिए बेटा जी अभी क्या है कि नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो अभी होमवर्क लिख लेते हैं अपना होमवर्क जो है वो तुम्हारा रहेगा 8.1 कंप्लीट ओके ओके यस सर ओके बेटा जी चलिए तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा एनी डाउट नो सर चलिए बेटा जी तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर सब लोग अपना अपना ध्यान रखें मस्त रहे व्यस्त रहे बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें ओके यस ओके बेटा बाय सर बाय सर